सड़क पर सुरक्षित सफर तय करने के लिए रविवार को एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला द्वारा यातायात माह जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने ट्रैफिक कार्यालय पर आयोजित यातायात जागरूकता कार्यक्रम के दौरान कहा कि नवंबर माह यातायात दिवस के रूप में मनाया जाता है। वाहनों की चेकिंग अभियान एवं लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य पूरे माह किया जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में यातायात नियमों की अनदेखी के कारण सड़कों पर प्रतिदिन होने वाले हादसों में जनहानि हो रही है। कुछ हादसों से हम बच सकते हैं यदि हम नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित सफर के लिए जागरूक बने। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने बताया कि यातायात पुलिस की ओर से यातायात माह में प्रतिदिन सघन चेकिंग अभियान चलाकर काली फिल्म, बिना सीट बेल्ट, तीन सवारी मोटरसाइकिल बिना हेलमेट तथा नो एंट्री का पालन न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यातायात माह जागरूकता अभियान के शुभारंभ के मौके पर ट्रैफिक कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने कहा, सीमा से ज्यादा वाहन न चलाना जो दुर्घटना के कारण होते हैं और जो दुर्घटना के कारक हैं, ये पूरा यातायात माह मनाया जाता है। गोरखपुर जनपद में किस तरह से सुचारू रूप से यातायात है, इस समय गोरखपुर शहर में 9 मुख्य चौराहों पर सिग्नल की व्यवस्था शुरू कर दी गई है और सिग्नल से हम ट्रैफिक चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जो आवश्यकता थी या जिस प्रयोजन से उसे लगाया गया था वो सिद्ध नहीं हो पाएगा, तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से गोरखपुर की जनता से अपील, जब सिग्नल हो तब वो आगे बढ़े सिग्नल दे करके। इसी तरह से हम अपने अधिकारी कर्मचारियों से भी अपेक्षा करते हैं कि जब तक आम जनता में ये स्वभावतः बात नहीं आ जाती है तब तक उसे उसका पालन करवाने प्रदान करें, लोग स्वतः उसको स्वीकार करें, अपनी आदत में डालें। लखनऊ में देखिए, अगर रात में 11 बजे रात में बहुत पुराने तो नहीं है, फिटनेस है उनकी भी नहीं है, इन सब चीज़ों को भी देखा जाएगा और जो चला रहे हैं वो कैद डीजल के साथ उसको चला रहे हैं, इसे देखा जाएगा। शहर में ऑटो की संख्या बहुत ज़्यादा है और हर जगह ये चीज़ उठती है कि बहुत ही अव्यवस्थित ऐसी व्यवस्था इस शहर की है, इसे दुरुस्त करने के लिए आपका सहयोग होना चाहिए, ऑटो एसोसिएशन का सहयोग चाहिए, आम जनता का सहयोग चाहिए, क्योंकि एक पक्ष जो इसको नियम पूर्वक लागू करने के लिए उत्तरदायी है वो तब तक अपने कार्यों में सफल नहीं हो सकता है जब तक दूसरे पक्ष से या आम जनता से उसको पूरा सहयोग न मिले। हम आपको बाधित करने के लिए नहीं है, लेकिन हम आपको व्यवस्था देने के लिए जरूर जिम्मेदार हैं। जो व्यवस्थाएँ दी गई है अगर उन व्यवस्थाओं में कोई दिक्कत आ रही है तो उसे उचित फोरम पर रखना चाहिए, जैसा श्री द्विवेदी जी बता रहे थे, तो आप हमारे साथ भी बैठ करके उसको डिस्कस कर सकते हैं और अगर आम सहमति बनती है, आपकी बात जायज है, तो हम ही आपकी बात को उचित फोरम पर रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक जो व्यवस्थाएँ दी गई हैं उस व्यवस्था के तहत ही आप लोग वाहनों का संचालन कराना होगा, क्योंकि जो व्यवस्थाएं सबको ज्ञात उन व्यवस्थाओं से इतर हम तब तक नहीं जा सकते जब तक कोई नई व्यवस्था हमें न दे दी जाए। आप अभी आयुक्त महोदय की बैठक में थे, वहाँ पर बातें भी रही थी कि बहुत पुराने ऑटो यहाँ चल रहे हैं, जो उनके चलने की लिमिट है 7 साल की या 10 साल की, डीजल वाले वाहन वो लिमिट से बाहर हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, उनकी परमिट भी अब उस रूप में नहीं रह गई है, तो ऐसे वाहनों को रोड पर न चलने दिया जाए, उनको पार करा दिया जाए, क्योंकि एक तो प्रदूषण बढ़ता है, दूसरे फिटनेस अगर नहीं है तो वो एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। जो बिना परमिट के, जो बिना रोड पर चलना कहीं है चल कहीं रहे, ऐसे वाहनों से भी दिक्कतें आ रही। कल हमें कोई फोन कर रहे थे कि एक काले ऑटो से मौसीपुर चौराहे पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, काले ऑटो ने उसको ठोक दिया, तो उनका सबसे पहला प्रश्न यही था कि काला ऑटो शहर के अंदर कैसे आ गया, शहर के अंदर मोहसिनपुर में कैसे काला ऑटो आया और उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। तो अगर जो उनके रूट निर्धारित हैं, जो स्टार्टिंग निर्धारित हैं, वहाँ से आगे बढ़ करके शहर के अंदर आएंगे तो ये बातें निश्चित रूप से उठेंगी, क्योंकि गाड़ी अगर रोड पर चलती है तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने के चांस बने रहते हैं। और ऐसी स्थिति में जब प्रश्न पूछा जाता है तो सोचता है कि आखिर ये वाहन इस जगह पर कैसे आ गए, जैसे
अगर फोर व्हीलर जिसमें छह आदमी अनुमन है उसका एक्सीडेंट हो और उसमें 20 लोग घायल हो जाए तो प्राकृतिक रूप से सवाल उठता है कि जो छह लोग अनुमन है उस पर चलने के लिए तो 20 आदमी घायल कैसे हो गए, इसका जवाब भी देना पड़ता है। तो जो चीज़ें व्यवस्थित पहले से की गई हैं उनको उस तरह से तब तक जरूर चलाया जाए जब तक कोई नई व्यवस्था न बन जाए। इसको हम अनुरोध करते हैं, इसको आप लोग देखें क्योंकि इस यातायात माह में हमने क्या कार्रवाइयाँ की हैं, क्या क्या समन किया है, किस चीज़ को दुरुस्त किया है, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा और चौराहों चौराहों पर हम इन सब चीज़ों को देखेंगे कि बिना हेलमेट की कोई ना चले, बिना नंबर प्लेट की कोई ना चले, बिना कागज के भय कागज की कोई ना चले। क्योंकि जो अपराध होते हैं जो दोपहिया वाहन के अपराध होते हैं अक्सर उसमें या तो नंबर प्लेट नहीं रहती है या तो फेक नंबर प्लेट रहती है। हम लोग यहाँ चालान करते हैं और देखते हैं तो कई ऐसे मामले आते हैं कि जब उस नंबर को हम लोग चालान करते हैं तो उसमें दूसरा वाहन आ जाता है और जो भानुटिया मार्केट या कचहरी चौराहा के पास में नगर निगम का जो मैदान है वहाँ पर भी वाहन खड़े कराए जा रहे हैं। तो थोड़ी सी दिक्कत कह करके अगर हम आम लोगों को अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था दें तो सभी के लिए अच्छा होगा। सभी लोगों से नगरवासियों से अपील करेंगे, व्यापारियों से करेंगे, ग्राहकों से करेंगे, जो बाज़ार में आते हैं उनसे करेंगे कि अपने वाहनों को निश्चित स्थान पर पहुँचाएँ तो आम जन को आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत न होने दें। यातायात माह शुरू हो रहा है, एक महीने लगातार चलेगा। हम लोग विभिन्न विद्यालयों में जाएंगे, बच्चों को सिखलाएंगे, एनसीसी के बच्चों को शामिल करेंगे, उनको कल्चर चौराहों पर ला करके कैसे ट्रैफिक चलाया जाता है इससे प्रशिक्षित करेंगे, वाहन चालकों को प्रशिक्षित करेंगे, वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण कराएंगे। जो भी कार्य होते हैं तो सारे कार्यों को हम लोगों ने समाहित किया है और किसी बार उनका पूरा प्रोग्राम महीने भर का निकाला है और लगातार इस चीज़ को हम लोग करेंगे। आप सभी लोगों से मेरी अपेक्षा है, आपसे अनुरोध है, जहाँ कहीं हमारी कमी है उसे बताने में बिल्कुल न हिचकें क्योंकि जब हमें आप हमें कमी बताएंगे उस पर ध्यान देना लाजमी हो जाएगा और हम अपनी कमी को जान पाएंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारा व्यवहार आज उनके साथ बहुत अच्छा हो, हम अपने अधिकारियों कर्मचारियों से सबसे अपील करते हैं कि हम कंपनी को सहायता करने के लिए हैं, उनके सहयोग के लिए हैं। हम किसी भी तरह से उन पर कोई कई चीज़ न कहें, बातों से, व्यवहार से, अपने आचरण से उनको किसी तरह की चोट न पहुँचाएँ, इसे भी हम देखेंगे। इसे हमें देखना चाहिए है, उसको हम लोग आपस में चर्चा कर लेंगे और उसको मुँह से भी खोलने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों का सहयोग हमें मिलेगा, यह हम आपका अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर आए, अपना अमूल्य समय दिया, हमारे मीडिया के हम भी यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम ऑटो एसोसिएशन के बस और ट्रैक एसोसिएशन के लोग आए हैं, आम नागरिक आए हैं, तो सभी लोगों का मैं सदैव आभार और धन्यवाद जाते कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय। यातायात माह एक महीने चलता है, नवंबर पूरा माह यातायात माह के रूप में चलेगा। इसमें हम लोग विद्यालयों में जाकर के छात्रों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी देंगे, एनसीसी के छात्रों को चौराहों पर ला करके व्यवहारिक प्रशिक्षण देंगे, चौराहा किस तरह से चलाया जाता है। इसके अतिरिक्त नई सिग्नल व्यवस्था जो शहर में 9 चौराहों पर लागू की गई है उसको सुदृढ़ करेंगे, नई पार्किंग चिन्हित की गई है उन पार्किंग पर वाहनों को खड़ा कराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और जाम मुक्त शहर यातायात व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे। सर, जो प्रतिबंधित वाहन हैं जो शहर जाने के लिए उनके लिए क्या व्यवस्था? जो काले ऑटो हैं जिनको शहर की सीमा से बाहर रहना है वो शहर की सीमा से बाहर रखे जाएंगे, अगर शहर में चलते पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। ग्रीन ऑटो को शहर के अंदर चलने की परमिट दी गई है, वो चलेंगे लेकिन वो निर्धारित स्थान से चलेंगे, ऐसा नहीं है कि वो मनमाने तरीके से जहाँ चाहेंगे वहाँ पर खड़ा करके अपना ऑटो का अड्डा बना करके वो संचालन करेंगे, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक व्यवस्था से निजात दिलाने के लिए शहर के किन किन प्रमुख जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था कराई? विजय चौक के पास में नगर निगम की बड़ी पार्किंग स्थापित की गई है, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पीछे पार्किंग बनाई गई है, सिटी मॉल के सामने एक बड़ी पार्किंग दी गई है, यातायात तिराहे के पास में भी पार्किंग दी गई है। तो 4-5 पार्किंग अभी चिन्हित की गई हैं, उनको साफ़ सुथरा करा दिया गया है, उसमें व्यवस्थाएं लागू कर दी गई हैं और हम पब्लिक से अपील करते हैं कि वो अपने पास की पार्किंग में अपने वाहनों को ले जाकर खड़ा करें,
थोड़ा सा उनको कष्ट हो सकता है वहाँ खड़ा करके अपने प्रतिष्ठान तक आने जाने में, लेकिन उस थोड़े से कष्ट से आम जनता को बहुत ही सुविधा होने वाली है, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सर, कभी कोविड काल चल रहा है, ऐसे में यातायात माह का अभियान चलाया जाना है, इसको लेकर क्या गाइडलाइन जारी किएगा? कोविड में जो है गाइडलाइंस हैं उसका हमें अनुपालन करना है, क्योंकि कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए जो निर्दिष्ट गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है या चालक को सैनिटाइजर रखना है, तो इन सब चीज़ों को भी हम देखेंगे, और जो निर्दिष्ट संख्या है सवारी की उस संख्या से ज़्यादा वो न बैठाने पाओ, इसको भी हम लोग देखेंगे।